भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री सह पटना के सांसद व वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने जहां नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 लोकसभा और 2025 का विधानसभा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार के रवैये से अब थक चुके हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काफी कार्य हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग काफी इच्छुक हैं कि भाजपा की अगुवाई में बिहार आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही बिहार में लालू की सत्ता आती है, बिहार में खौफ का राज हो जाता है, लेकिन हम लोग जनता के साथ संघर्ष करेंगे और बिहार को विश्वास दिलाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को अब 90 का बिहार नहीं बनने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और लोग उसे छोड़कर निकल रहे हैं। वहीं उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भागलपुर से बाल मुकुंद कुमार की रिपोर्ट, बीटी न्यूज। आज मैं भागलपुर हूँ, मैं बांका जा रहा हूँ, अपनी कोर कमेटी की बैठक किया, कल फिर भागलपुर में रहूंगा। मूल मंत्र ये है कि नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ा और पूरी भाजपा जमीन पर है। कार्यकर्ताओं से मिलना, 8-9 बैठक करना और सांगठनिक फीडबैक देना, और हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, 24 का लोकसभा भी पूरा जीतेंगे बिहार से और 25 का विधानसभा भी जीतेंगे। एक हमने फीडबैक देखा है, कार्यकर्ता हो या जनता हो या शुभचिंतक हो, सब भाजपा के सरकार की अपेक्षा कर रही है। लोग नीतीश कुमार जी से अब थक गए हैं और मैं पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो उनकी सेवा हुई है, गांव-गांव, क्या पिछड़े, ये गरीब, तो सब चाहते हैं कि अब भाजपा की अगुवाई में बिहार आगे बढ़े। कुछ दिनों में ही अपराध बेलगाम हो गया सर, लगातार अपराध। तो ये आप मुझसे मत पूछिए, जो सरकार में गए उनसे पूछिए। मूल बात समझिए, जैसी लालू की पार्टी सत्ता में आती है, बिहार में खौफ का राज होता है कि अब कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन हम लोग मजबूती से खड़े हैं। आज हमारे विधायक लोग, हमारी कोर कमेटी, कार्यकर्ता, तो जनता के साथ हम संघर्ष करेंगे और बिहार को विश्वास दिलाएंगे कि 90 का बिहार नहीं बनने देंगे हम। हम लोग मजबूत हैं भारत में, दिल्ली में और बिहार में भी। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, कई आरोप भी लगाए हैं गांधी पर। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, मौलिक बात जान लीजिए, है ना। और यही होता है परिवारवाद में कि भले ही लायकियत हो या नहीं हो, योग्यता हो या नहीं हो, बनेंगे वही। और उसके बाद हम भी चाहते हैं विपक्ष अच्छा हो, लेकिन ये तो मेरा काम नहीं है ना। तो उन्होंने छोड़ा है और जो सच्चाई कही है वो देश को समझना जरूरी है कि कांग्रेस क्या है। धन्यवाद। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।